इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। दिनांक 1 जनवरी सन 1772 में लंदन में सबसे पहली बार ट्रैवलर चेक की प्रथा शुरू हुई। सन 1807 रानी विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित हुई। सन 1978 में एयर इंडिया विमान दुर्घटना फ्लाइट क्रमांक 855 में 213 लोग मृत हुए। सन 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। सन 1971 में ज्योतिरादित्य राव इनका जन्म हुआ। सन 1979 में मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन इनका जन्म हुआ। सन 1399 में तैमूर लंग मध्य एशिया से हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया। सन 1600 में भारत में व्यापार करने हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। सन 1644 में श्री शिवाजी महाराज ने सूरत अभियान की शुरुआत की। सन 1848 में पूना के भिड़ेवाड़े में महात्मा ज्योति फुले ने लड़कियों का स्कूल खोला। सन 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू की गई। सन 1877 में अमरावती की नगर पालिका इसका धनराज लाइन से स्थानांतरण वकील लाइन पर किया गया। सन 1890 में अमरावती नगर पालिका द्वारा 500 रुपए खर्च कर महारानी विक्टोरिया के जन्म पर अमरावती के परकोटे पर रोशनाई की गई। सन 1892 में महात्मा गांधी के परम अनुयायी श्री महादेव भाई देसाई इनका जन्म हुआ। सन 1998 में किर्लोस्कर नाट्य कंपनी द्वारा अमरावती के इंद्रभवन थिएटर में नाट्य प्रयोग शुरू हुआ। सन 1898 में वराड़ पाटिल पटवारी समुदाय का अधिवेशन अमरावती में आयोजित हुआ। सन 1903 में एडवर्ड सप्तम भारत के सम्राट घोषित किए गए। सन 1903 में नेहरू मैदान में जुबिली कार्यक्रम में आग लगी, जिसमें जुबिली का मंडप सर्वथा जलकर खाक हुआ। सन 1909 में हैदराबाद के निजाम के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई। सन 1915 में महात्मा गांधी को कैसर हिंद की पदवी बहाल की गई। सन 1919 में भारत में कायदे मंडल की स्थापना की गई। सन 1929 में अमरावती में ग्रेट कार्लेकर सर्कस और परशुराम सर्कस का आगमन हुआ। सन 1933 में खापरडे वाड़े में वराड़ प्रांत की सर्वदलीय पक्षों की बैठक आयोजित की गई। सन 1943 रानी विक्टोरिया छाप चांदी के कलदार के सिक्के चलन से रद्द किए गए। सन 1949 में यूनो के ठहराव क्रमांक 13 को स्वीकारते हुए भारत ने युद्ध विराम किया। सन 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के अधीनस्थ लिया गया। सन 1972 में भारत के राजे रजवाड़ों का प्रिवी पर्स श्रीमती इंदिरा गांधी ने बंद किया। सन 1972 में ही भारत के सभी महत्वपूर्ण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सन 1973 में भारत के सभी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सन 1976 में दूरदर्शन पर से भारत में व्यावसायिक विज्ञापनों का प्रसारण शुरू किया गया। सन 1977 में अमेरिकन टीवी ने सिगरेट का विज्ञापन का प्रसारण बंद किया। सन 1990 में अमरावती के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मुदलियार इनका निधन हुआ। सन 2001 में कलकत्ता को कोलकाता नाम दिया गया तथा ममता बनर्जी के प्रयास से सन 2016 में वेस्ट बंगाल से बंगाल राज्य घोषित किया गया। सन 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। सन 1894 में भौतिक शास्त्रज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस इनका जन्म हुआ। सन 1908 में पूना में कृषि विद्यापीठ स्थापना की गई। सन 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने
स्वराज्य पक्ष की स्थापना की। सन 1955 में शांति स्वरूप भटनागर इनका निधन हुआ।